أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى آخره في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم काश मैं तेरे घर का कच्चा रास्ता होता काश मैं तेरे घर का कच्चा रास्ता होता और तेरा कदम मुनव्वर तेरा कदम मुनव्वर तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे तेरे सीना पे पड़ा होता और तेरी खत्म नबूवत के लिए कोई मुझे टुकड़े टुकड़े करता और मेरे खून का खर कतरा मेरे जिस्म का खर हिस्सा तेरा नाम बोलता होता तेरा नाम बोलता होता और तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता मियां शाख जो तेरी रोटी पकाती थी अम्मी ऐशा जो तेरी रोटी पकाती थी उसका कोई टुकड़ा उसका कोई हिस्सा उसका कोई लुकमा मैंने भी खा लिया तूने भी खा लिया होता तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता और तेरे जिस्म अतहर से खून
के लिए तेरे जिस्म अतहर से खून साफ करने के लिए मां खदीजा के मैं हाथ आने वाला चीतड़ा होता तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता तेरा कदम मुनव्वर तेरा कदम मुनव्वर तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता और बच्चा होता गरीब बेवा का और सर तेरी गोद में छुपा होता सर तेरी गोद में छुपा होता तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता और तू हशर में अपने कारी को कहे कि मेरा गुलाम आया है। सुभान अल्लाह बोलो यार, कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके कहो समझ आ रही है, कहो सुभान अल्लाह। और तू हशर में अपने कारी को कहे कि मेरा गुलाम आया है, काश यही हर्फ मेरे नामा में लिखा काश यही हर्फ मेरे नामा में तेरे नामा में लिखा होता तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता काश मैं तेरे घर का कच्चा रास्ता होता और तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला वाला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। हमदा सनावा ते किबरियाई दे पाक मुकद्दस मुताहर मुअल्ला कलमे अल्लाह जल्ला जलालुहु वास्ते दरूदो सलाम आकायदो जहां रहमते कौनैन पैगंबरे रहमत रहमते कुल हादिये सुबुल खातिम रसुल सैयद आजम मुर्शद आजम मुहद्दस आजम फकीह आजम मुफ्ती आजम सरार आजम तबीब आजम हकीम आजम रहबर आजम इमाम आजम आला हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उच्ची सारी जरा दुरूद पाक पढ़ो मैनू पता लगे तुसी जागदे हो जरा मुहब्बत नाल कहो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम वास्ते जनाबे सदर गिरामी कदर जी वकार बुजुर्ग दोस्तों अजीजो जिते तक मेरी आवाज पहुंच रही है सामियात मुअज्जजात मुअक्करात मुकर्रमात बापरदा इस्लामी माओ बहनों दुआ है अल्लाह इस पुरशको कॉन्फ्रेंस नो मेरे वीरां दे इस मुहब्बत नो प्यार नो अकीदत नो एहतराम नो वजाहत नो खुशबू नो मुहब्बत नो मुस्कुराहट नो प्यार नो अल्लाह अकबर इस बखार नो आसमाना तो उतर दी खोई रहमत दी मिट्टी फार नो अल्लाह अपनी बारगाह जजीला अपनी बारगाह रफिया अंदर अल्लाह मकबूलो मंजूर फरमान अल्लाह तुहाडी मुहब्बत नो कबूलो मंजूर फरमान अल्लाह तुहाडा मिल बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमान ज्यादा देर इंशाअल्लाह ज्यादा
देर तक गुफ्तगु मुनासिब नहीं है। बारह बजन तो बाद उंज भी बारह बज ही जाते ने, अल्लाह खैर करे। अल्लाह अकबर ते मैं नहीं चाहता। अल्लाह कहते सुते खोन ते जागते होन। कारी मुहम्मद जुबैर का आवाज जरा होंगे है अल्लाह की रहमत नाल जाग करके लोग सुनते हैं, अखा चखा पा करके सुनते हैं और मुहब्बत प्यार नाल सुनते हैं। इंशाअल्लाह मैं एक ही मशकूर रहांगा अपने बरादरे मोहतरम अल्लाह अकबर हाफिज मुहम्मद साकिब सरवर साकी साहब और उन्होंने दीगर भाई मुहम्मद आरफ परिन साहब, हाफिज मुहम्मद उस्मान साहब, मुहम्मद जुबैर साहब और दीगर मुहब्बत प्यार वाले जिन्होंने भाई मुहम्मद इनामुर रहमान साहब, उजैर साहब और दीगर खैल हदीस यूथ फोर्स से इतने नौजवानों ने ये जगमग जगमग जिलमल जिलमल लाई हुई है। तुम उन्होंने तफ मुहब्बत प्यार से लब्बे कहने हो इस जगह से रात के डेढ़ बजे तक अल्लाह की रहमत नाल तशरीफ रखे हुए हो। अल्लाह तुहाड़ी मुहब्बत नो भाई साकी साहब उन्होंने रफाका की पूरी टीम नो अल्लाह बरकता नाल नवाजे। अल्लाह तुहानू सारे नो अपनी रहमत नाल मिलके मदीने दिया ज़ियारतां बार बार नसीब फरमावे। आमीन कहो। अल्लाह जड़ा उची आमीन कहे इसे साल ही ले जा। अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत प्यार कबूलो मंजूर फरमा। और जान दे खो मुझे से फकीर नो या अल्लाह दा कुरान आंदा है या मेरे मुहम्मद दा फरमान आंदा है, किसे कहानी असी नहीं सुनाया कर दे। अल्लाह अकबर इंशाअल्लाह चंद मिनटां दे अंदर कुरान पाक दी बहार ला देंगे अल्लाह दी रहमत नाल। और तुसी सुन कर के इंज लगेगा जिवें जलसा हुणे ही शुरू होया है। सारे जाग जाओगे अल्लाह दी रहमत नाल, इंशाअल्लाह होएगा। और अज माखिर रबीउल अव्वल माशाल्लाह, कहो माशाल्लाह, माहे रबीउल अव्वल दा चंद नजर आ गया है। और एक महीना है, बाबरकत महीना है, जेदे अंदर मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, मां फातिमा तो ज़हरा दे अब्बा जान, हसन हुसैन दे नाना जान, अल्लाह अकबर, मां फातिमा तो ज़हरा दे अब्बा जान, मां जी आयशा सिद्दीका, हफ्सा जवेदिया, मैमूना, खतीजा दे सर दे ताज, अल्लाह अकबर, और पूरी कायनात दे इमाम इमाम आजम जिन्हां दे नाम दे सिर ते इमाम आजम कॉन्फ्रेंस दा इनेकाद कीता गया है। और इशा दे बाद दो अल्लाह अकबर चलदा चलदा प्रोग्राम आखिर ते कारी मुहम्मद जुबैर दीवारी आई है। अल्लाह अकबर इस सिर ते इमाम आजम कॉन्फ्रेंस अंदर आने वालों आँख में अपने महबूब अलैहिस्सलाम दी आमद का तज़करा करा। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा ही किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आखण जी मनदे नहीं मनदे नहीं, अल्लाह तेरे कोल केड़ा थर्मामीटर है जेड़ा ला करके कहो जी ये नहीं मनदे, आदरा वेख मनदे ने के नहीं मनदे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए जनाब बोलिए, बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करा। मैं ना कहा हूं बोलते रहो या नहीं करो या नहीं करो, ना ना, जरा मुहब्बत नाल मेरी अखा चखा पा के गल करो, जरा मुहब्बत नाल बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू शुरू करिए। मेरे पुर रहमत पैगंबर अलैहि सलाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाले और शर्म ना करया करो, जी तो मेरे महबूब अलैहि सलाम दा नाम आवे गज करके कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियां कियामत वाला दिन होएगा, अल्लाह फरमान के हाल कुन तुम तसल्लुना लन नबी, क्या तुसी ओ लोग हो जेड़े मेरे नबी ते कसरत नाल दुरूद पढ़दे सो, क्या तुसी ओ लोग हो जेड़े मां फातिमा तो जहरा दे अब्बा जान ते दुरूद पढ़िया करदे सो, क्या तुसी ओ लोग हो अल्लाह अकबर जेड़े फातिमा दे अब्बा ते दुरूद पढ़दे सो, क्या तुसी ओ लोग हो जेड़े हसन हुसैन दे नाना जान ते दुरूद पढ़दे सो। ओ अहलिया ने जंग दे ओ पासियो, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं इख्तलाफ नहीं, अल्लाह अकबर कोई बरेलवी मकबा फिकर दा मेरा वीर आया है, ओ भी मेरा वीर है के दो बंदी अखबाब तशरीफ रखे हुए। अल्लाह की कसम मेरे ने इस्लाम अंदर फिर काबादी न पाया करो, आओ जरा मुहब्बत नाल मेरे महबूब ते दुरूद पढ़िया करो। दुरूद एक ऐसी नेमत है, दुरूद एक ऐसी रहमत है। अल्लाह अकबर हर चीज अंदर इख्तलाफ है, नमाज अंदर इख्तलाफ हो सकता है, रोजे दे अंदर इख्तलाफ हो सकता है, ज़कात अदा करने दे अंदर इख्तलाफ हो सकता है, मगर दुरूद पाक अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। देवबंदी कलो सुनोगे वो भी कहेगा दुरूद
पढ़िया करो, अहले हदीस को सुनोगे ओ भी कहेंगे मियां दुरूद पढ़िया करो, बरेलवी को कहोगे ओ भी कहेंगे जनाब दुरूद पढ़िया करो, मगर गल सिर्फ इतनी है मियां अल्लाह अकबर मैं आखना खा दुरूद पढ़ो जरूर पढ़ो मगर मसनून पढ़ो। अल्लाह अकबर कोई साड़ी दावत है कि जेदा कलमा पढ़ी दे ओदी गल मन्नी दिए, जेदा कलमा पढ़ी दे ओदा कहा मन्नी दे, जेदा कलमा पढ़ी दे ओदे पीछे पीछे चली दे, जेदा कलमा पढ़ी दे ओदा कहा मन्नी दे। अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दी जात आला बनाई, मेरे मुहम्मद दी बात आला बनाई, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा नाम आला बनाया, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा प्रोग्राम आला बनाया, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दी सीरत आला बनाई, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दी सूरत आला बनाई, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा शान आला बनाया, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा फरमान आला बनाया, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दी किताब आला बनाई, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दी अजवाज आला बनाई, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दी बनून बनात आला बनाई, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा पसीना आला बनाया, अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा मदीना आला बनाया। अल्लाह अकबर दुरूद पढ़ो जरूर पढ़ो। अल्लाह अल्लाह क्यों ना कहूंगा मियां, वो आए जिनके आने से बाहर अंदर बाहर आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार 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 आई, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरे गुर्बत कदाख में रहमत परवरदिगार आई, वो आए तो मुनादी हो गई गुलजारे हस्ती में, सभी बोले बहार आई, सीते चेहरों का जंग उतरा, सीते चेहरों का जंग उतरा और बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शोर आया, मुजम्मिल मुदसिर ते फुलां दा सेहरा, वाह सुबहान अल्लाह मेरे मुहम्मद दा चेहरा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। अल्लाह ने फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां दुआवां नाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दियां दुआवां नाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तमीर कर रहे ने और काबतुल्लाह तमीर हो गया, अल्लाह ने आसमाना तो डायरेक्ट कॉल मिलाई अपने नबी नाल, अल्लाह फरमांदे ने सोनिया अगे जो मैं आखदा रहा हां वो तुसी कर दे रहे हो, मैं के खा मकान छड़ दियो तुसी मकान छड़ दिता, मैं के खा अपना घर बार छड़ दियो तुसी घर बार छड़ दिता, मैं के खा अल्लाह अकबर इलाका छड़ दियो तुसी इलाका छड़ दिता, मैं के खा अपने मां बाप नु छड़ दियो तुसी मां बाप नु मेरी रदा नाल छड़ दिता, मैं के खा बेटे नु अग अंदर छलांग लगवा दे, अल्लाह अकबर तुसी बेटे नु अल्लाह गर्दन ते छुरी रखण दा किया, हजरत ने एक बार भी परवाह नहीं की थी, बेटे दी गर्दन ते छुरी रख दी थी। ये सारा कुछ कर दिया अल्लाह किन्ने साल गुजर गए ने मेरे पैगंबर, कितनी रातां गुजर गईं, कितने दिन गुजर गए, कितने हफ्ते गुजर गए, कितने साल गुजर गए, कर दिया जो जो मैं आखदा रहा हाँ
कुछ तुसी कर दे रखो हुन तुसी कहो ते मैं अल्लाह का सुभान अल्लाह हुन गल करनी तुहाड़ी मननी मेरी अल्लाह अकबर तुसी आखदे जाओगे मैं करदा जावांगा अल्लाह अकबर ओ वक्त जरूर आंदा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है खुदा बंदे से खुद पूछे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हजरत नु अल्लाह ने फरमाया प्यारे इब्राहिम हुन मंगना तुहाडा देना मेरा। हजरत ने नहीं आख्या अल्लाह मकान चाहिदा है जायदाद चाहिदी है लोड़ लपोड़ चाहिदे पड़ा चाहिदा नाना। फरमाया रब्बना तकब्बल मिन्ना अल्लाह अकबर। जरा फिर कहो सुभान अल्लाह। फरमाया रब्बाना ऐ मेरे अल्लाह मैं जो कुछ कीता है सिर्फ तेरी रजा वास्ते कीता है दुनिया ने विखलावियां वास्ते नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने सुनिया तेरा खरा अमल कबूल है मंगना की चाहते हो। हजरत फरमांदे ने अल्लाह रब्बाना मकान तेरा बन गया घर तेरा बन गया सुभान अल्लाह हुन आबाद करन वास्ते खतीब की जरूरत है। अल्लाह अकबर खतीब केड़ा है रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। अल्लाह नस्ले आदम विचो अल्लाह आदम दिया बेटियां विचो अल्लाह हव्वा दे बेटियां विचो रसूलम मिनहुम पहली गल ते नखेड़ा हो गया नूर मिन नूर इल्ला कहने वालो हजरत ने तेरे मेरे अब्बे ने दुआ की है और रब्बना बस फीम रसूलम मिनहुम अल्लाह नूर मिन नूर इल्ला नहीं चाहिदा रसूलम मिनहुम नस्ले आदम विचो रसूल गल कैसा रसूल रसूलम मिनहुम दो तनवीना कारी मुहम्मद जुबैर दवाद होएगा आदा है रसूलम मिनहुम इज्जत वाला पैगंबर रसूलम मिनहुम शान वाला पैगंबर रसूलम मिनहुम इज्जत तेरे पत्ते तेरा जादियां बुलंदियां दा मालिक पैगंबर रसूलम मिनहुम जेदा उठना नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जेदा बैठना नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जेदा चेहरा नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जेदियां जुल्फां नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जेदियां अखां नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जेदे रुखसार नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जेदे बनाओ संगार नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जेदियां पलकां नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके आई भरो नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसका चेहरा नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके होंठ नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके दांत नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके नाखून नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसकी उंगलियां नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके हाथ नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके बाजू नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसकी कोहनियां नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके कंधे नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसकी गर्दन नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके पांव नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके अंगूठे नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसकी टांगे नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके घुटने नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसके अल्लाह अकबर पेट में रखने वाली एक एक चीज नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसका सीना नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसका सीना नफीस तरीन रसूलम मिनहुम जिसका मदीना नफीस तरीन।
मदीना नफीस तरीन ते सीना नफीस तरीन सीने दिए वारियां या ते अल्लाह ने फरमाया फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अंका विज़रक अल्लज़ी अंकज़ा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। नहीं बोले बस करिए, बोलो वर फिर कहो जरा हाथ उठाओ ना कहो सुभान अल्लाह। मैं फिर पढ़ना फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अंका विज़रक अल्लज़ी अंकज़ा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक लक ज़िक्रक। कहो मैं पढ़ा तुसी कहो सुभान अल्लाह लक ज़िक्रक लक ज़िक्रक लक ज़िक्रक लक ज़िक्रक सुभान अल्लाह। मदीने दियां वारियां आईयां अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंतहिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह जिस नबी दाए के कंगन फी सरीन रसूल मिनहुम ए होई दोए तनवीना करी मुहम्मद ज़ुबैर दवाद है रसूल मिनहुम मैं झड़ी ला देंगा अल्लाह दी रहमत नाल। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ बन करके ऐसे रबीउल अव्वल दे महीने उम्मत दा गम खार पैगंबर आ गया है मां जी हलीमा दी गोदी दे अंदर अल्लाह अकबर अमीना दलाल आ गया है सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर लोगो जान दे होना अल्लाह बचपन जदों बदे दा बंदा अल्लाह मां दे पेट अंदर ते मावां कुछ कुछ सैयां संभाल संभाल रख दियां ने छोटे छोटे कपड़े संभाल संभाल रख दियां ने अखां अंदर पान वाला सुरमा मावां संभाल संभाल रख दियां ने खुशबूआं वाला पाउडर संभाल संभाल रख दियां ने अल्लाह नहाने वाला साबण संभाल संभाल रख दियां ने कि हुण आवाज आएगी बीबी खुशबू दे तेरे बच्चे नू लगाइए साबण दे तेरे बच्चे नू नहलाइए सुरमा दे तेरे बच्चे दियां अखां च पाइए ते जे देर हो जावे सुरमा मंगने नू देर हो जाए साबण मंगने नू देर हो जाए अल्लाह अकबर कपड़े मंगने नू ते मावां दियां वैलसां बोलन लग जांदियां खैण कि बच्चा जिंदा नहीं है अल्लाह कोलो दुआ कर अल्लाह हर एक नू जीना जागना बच्चा अता फरमा अल्लाह जेड़े बे औलाद ने अल्लाह उन्हां नू औलाद नूरीना अता फरमा अल्लाह जिन्हां नू धीआं धीआं दित्तियां नी अल्लाह उन्हां नू पुत्रां दी खैर अता फरमा। अमीर प्यारियो जे देंदा ते देवे अल्लाह रख उसे ते तू तसल्ला ए जेड़ा खरदा परदा पल्ला ए अल्लाह दे दरवाजे तो मंगिया करो। अल्लाह अकबर मेरी मामा बहना अल्लाह को मंगिया करो हजरत मां जी आमिना मीन ख्याल दे अंदर के हुन आवाज है कि बीबी खुशबू दे तेरे बच्चे नु लगाइए साबण दे तेरे बच्चे नु नहलाइए अल्लाह अकबर सुरमा दे तेरी अखां च पाइए देर हो गई साबण मंगने नु कोई दाइख नहीं आई मंगण वास्ते ते मां आमिना दे कलेजे ते कुछ कुछ होन लग गया है। अल्लाह अकबर मां आसमान वाले वे करके फरमांदी ने अल्लाह अके दा बाप हो गया है अल्लाह मेरे बच्चे दी जिंदगी करी अल्लाह मेरे बच्चे नु हयाती देवी अल्लाह कितनी देर हो गई है दाइयां कुछ मंगण वास्ते नहीं आईया उधरो एक दाइया करके इनमा खामने दे साथ रख दिए आदि नहीं आमिना किन ख्याल दे अंदर पै गई है तेरा बच्चा कोई आम बच्चे वर्गा नहीं है ए तेरे रसूल मिनहुम सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर ते बड़ियां शाना वाला कोई लगदा है अल्लाह नु नहलाने दी लोड़ पेश नहीं आई तेरे बच्चे नु सुरमा पवाने दी लोड़ पेश नहीं आई तेरे बच्चे नु नहलाने दी लोड़ पेश नहीं आई तेरे बच्चे नु खुशबूआं लाने दी लोड़ पेश नहीं आई। बीबी तेरे बच्चे दियां खुशबूआं दी केड़ी गल जड़ी बीबी तेरे बच्चे नु हाथ लांदी है ओदे बदन विच भी खुशबू महकन लग जांदी है
ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਰਸੂਲ ਮਿਨਹੁਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਰਿਫਤ ਦਰਜਾਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਫੀਸ ਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਆਮਿਨਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਛਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ 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 ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਦੂਹਾ ਵੱਲ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ, ਵਦੂਹਾ ਵੱਲ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ, ਮਾ ਵਦਾਕ ਰੱਬੁਕ ਵਮਾ ਕਲਾ, ਵਲਲਾਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਲ ਲਕ ਮਿਨਲ ਉਲਾ, ਵਲਸੌਫ ਯੂਤੀਕ ਰੱਬੁਕ ਫਤਰਜ਼ਾ, ਅਲਮ ਯਜਿਦਕ ਯਤੀਮਨ ਫਆਵਾ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਰੋਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹੋ ਦੋਵੇਂ ਖੱਤ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮਾਂ ਜੀ ਆਮਿਨਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਜੀ ਆਮਿਨਾ ਇੰਜ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਮਿਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਓਹੋ ਐ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਕਾਸ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਲੋਗੋ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਂ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਆਦਨੇ ਅੱਬੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਬੁਖੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਡੀ ਗੂੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕੋ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੋ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਬਾਪ ਕੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
نبی علیہ خسروان کی ماں آمینا اللہ اچ عبداللہ گھر اندر کنیاں رونقاں ہوندیاں لوگاں دے اگے باخر جان اپنے بچیاں واسطے کھڈونے لے کر کے آن ہاں انج ہوندا ہے لوگاں دے اگے باخر جان تخیل پیش کریں لوگاں دے بچے باخر اگے باہر جان اپنے بچیاں واسطے کھڈونے لے کر کے آن لوگاں دے بچے باخر جان اپنے ابو انہاں دی بونگلی پکڑ کر کے سیر کران علم یجد کا یتیم پاوا ووجد قضالا فخدا ووجد قائلا فاغنا سائے پسند نہ آئے جب پروردگار کو سائے پسند نہ آئے جب پروردگار کو بے سایہ دار کر دیا ایک سایہ دار کو بے سایہ دار کر دیا ایک سایہ دار کو میں عرض کرنے لگا میاں لم یجد کا یتیم فاوا ووجد قضالا فہدا ووجد قائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر فاما بنعمت ربک فحدث ماں آمینا ان میرے محمد چمدیاں نے کلے کے نالا دیا نے بس چند منٹاں دی گفتگو باقی ہے اللہ اکبر ماں آمینا ان میرے محمد نو کلے کے نالا دیا نے نالیا دیا نے اللہ آج عبداللہ خوندہ تے گھر کی نیے خوشیاں ہونیا اللہ کلو دعا کر جنہ دے والدین زندہ خین اللہ قدر کرنے دی توفیق عطا فرما تے جنہ دے ابو امی فوت ہو گئے اللہ خلنے دے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے کتنی رات دیکھی میری ماں سو نہ سکی اللہ اکبر محبت پیار کتے بن دی ہے ایک کلے جا ماں دا کلے جا اللہ اکبر ماں آمینا ان خیال دے اندر اللہ خیلوں کون کھڑونے لیا کر کے دے گا اللہ خیلوں کون سہران کرواوے گا اللہ نے ڈائریکٹ کال ملائی اپنے اللہ فرمانے نے آمینا تو ہی نہیں عبد المطلب تو ہی نہیں سردار عبداللہ بھی نہیں اصلی سہارا سونے رب دا سبحان اللہ اصلی سہارا سونے رب دا میں رب خو کر کے کہاں گا لا عمر قائن لہم لفی سکرتیم یا مہو میں رب خو کر کے کہاں گا لا عمر کا پوری دنیا کے خیمنو اللہ دی قسم ہے میں اللہ ہو کر کے کہاں گا لا عمر کا منو تیرے نبی ہون دی قسم سبحان اللہ اللہ ہو اکبر لا عمر کا منو تیرے بنود دی قسم بنات دی قسم محمد تیرے کائنات ہونے والے دی قسم محمد تیرے نام دی قسم محمد تیرے پروگرام دی قسم محمد تیری سیرت دی قسم محمد تیری صورت دی قسم محمد تیرے شان دی قسم محمد تیرے فرمان دی قسم محمد تیرے اصحاب دی قسم محمد تیرے بنون دی قسم بنات دی قسم لا عمر کا جنہیں تینوں نے جانیا لا عمر کا انہم لفی سکرتیم یا مہون آمینہ کن خیالہ دے اندر پہ گئی ہے اللہ میرے محمد نو کون سیر کروائے گا اللہ فرمان دینے نہیں آمینہ لوگ نہ دے اپے باخر جان اپنے بچیاں نو سیر کروان کوئی مری تک سیر کر گئے کوئی ناران تک کاغان تک کوئی بابو سرٹاپ تک کوئی کدرے تک کوئی کدرے تک آمینہ کوئی نہیں خیدہ بانے یہ میں جو خواہ اگر تیرے بچے نو سیر دی ضرورت پیش آئی میں ستہ آسمانہ دی سیر کروا دیاں گا رہ دی دنیا تک تیرے بچے
ਦੀ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਆਏਗਾ ਖਾਫੇ ਦਾਏਗਾ ਪੜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਲੀ ਅਸਰਾ ਬੀ ਅਬਦੀ ਲੈਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਨੀ ਆਮਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਖਬਾਫੇ ਨਾਲ ਬਾਖੇ ਜਾਣ, ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਖੱਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਖਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਦ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਉਂਗਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲਾ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲਹੁਦਾ ਵਦੀਨਿਲ ਹੱਕ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਰਹੁ ਅਲਾ ਦੀਨਿ ਕੁੱਲੀ ਵਕਫਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਸ਼ਹੀਦਾ। ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੱਜ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਅਰਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਦਾਦ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦਾਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਦਾਦ ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਓਏ ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਪੱਗ ਮੈਂ ਵਾਰਾਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾਈ। ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਪੱਗ ਮੈਂ ਵਾਰਾਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾਈ। ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਖੇਸ਼ ਕਬੀਲਾ ਨਾਲ ਭੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਾਲ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਈ, ਅਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾ, ਅਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ, ਇਮਾਮੇ ਆਜ਼ਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੋ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਲੱਭੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਨੇ ਵਾਲੋ, ਆਓ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਿਫਤ ਓ ਦਰਜਾਤ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ, ਤੁਮ ਕਹਤੇ ਹੋ ਯੇ ਮਾਨਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਔਰੋਂ ਸੇ ਕਹਾ ਤੁਮਨੇ, ਔਰੋਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਤੁਮਨੇ, ਕੁਛ ਹਮ ਸੇ ਕਹਾ ਹੋਤਾ, ਕੁਛ ਹਮ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੋਤਾ। ਓਏ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਹੋ, ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਹੋ, ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਕੀ ਕਿਤਾਬੇ ਹੋ, ਸਹੀਫੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਦਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਲੇਜੇ ਮੇਂ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਓ ਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਨਾਨਾ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਂ ਆਨੇ ਵਾਲੋ, ਮਾਨਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਕਹਨੇ ਵਾਲੇ। ਔਰੋਂ ਸੇ ਕਹਾ ਤੁਮਨੇ, ਔਰੋਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਤੁਮਨੇ, ਕੁਛ ਹਮ ਸੇ ਕਹਾ ਹੋਤਾ, ਕੁਛ ਹਮ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਮਾਨਨੇ ਕੀ ਤੋ ਹੱਦ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਹੋ, ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਕੀ ਉਮਤੇ ਹੋ, ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਕੇ ਸਹੀਫੇ ਹੋ, ਤਮਾਮ ਰਸੂਲਾਨੇ ਕਿਰਾਮ ਹੋ। ਏਕ ਪਲੜੇ ਮੇਂ, ਏਕ ਪਲੜੇ ਮੇਂ ਅੰਬੀਆ ਹੋ, ਅੰਬੀਆ ਕੀ ਉਮਤੇ ਹੋ, ਅੰਬੀਆ ਕੇ ਸਹੀਫੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬੇ ਹੋ, ਤੋਰਾਤ ਹੋ, ਸਬੂਰ ਹੋ, ਇੰਜੀਲ ਹੋ, ਸਭ ਸਹੀਫੇ ਕਿਤਾਬੇ ਏਕ ਤਰਫ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਏਕ ਪਲੜੇ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤਨੇ ਤਨਖਾ ਆਮਿਨਾ ਕਾ ਲਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਏਕ ਪਲੜੇ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤਨੇ ਤਨਖਾ ਆਮਿਨਾ ਕਾ ਲਾਲ ਹੋ, ਏਕ ਪਲੜੇ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸਾਖਬੇ ਸ਼ਰਫੋ ਕਮਾਲ ਹੋ, ਏਕ ਪਲੜੇ ਮੇਂ
हसन हुसैन के नाना जान हो, एक पलड़े में तने तनखा माँ फातिमा तो जखरा के अब्दा जान हो, एक पलड़े में माँ ऐशा के शुक्रे नामदार हो, माँ अब्सा जवेरिया मैमूना के शुक्रे नामदार हो, एक पलड़े में माँ खदीजा तुलकुबरा के शुक्रे नामदार हो, दूसरे पलड़े में इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, तमाम सहाबा, तमाम मतकिया, तमाम मुफक्करीन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम उलमा, तमाम सुद्दतुल उलमा, तमाम अंबिया, तमाम रुसलाने कराम, आदम से लेके ईसा तक तमाम नबी एक पलड़े में, एक पलड़े में सारे इमाम, एक पलड़े में सारे सहाबा, एक पलड़े में सारे अंबिया, एक पलड़े में सारे रसूल, और एक पलड़े में माँ फातिमा जहरा के अब्बा जान। अल्लाह की कसम, सारे अंबिया मिलके, तमाम रुसलाने कराम मिलके, तमाम सहाबा मिलके, तमाम उम्मतें मिलके, तमाम सहीफे मिलके, मेरे आका के वजूद का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर, लोगों के इमाम एक तरफ, मेरे इमाम का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? लोगों के इमाम वो है जिनकी जुबान अपनी मर्जी से हरकत करे, लोगों के इमाम वो है जिनकी जुबान अपनी मर्जी से बोले, लोगों के इमाम वो है जो गुफ्तगू करे तो अपनी मर्जी से करे। मगर अहले हदीसों का इमाम, इमाम आजम कौन? इमाम आजम, इमाम दीन, रहमतुल लिल आलमीन, कौन है इमाम आजम जो अपनी मर्जी से हरकत न करे, जो अपनी मर्जी से गुफ्तगू न करे, जो अपनी मर्जी से बोले ना? ये जुबान जब भी बोले, ये जुबान जब भी हरकत करे, ये जुबान जब भी जुम्बश करे, एक अल्लाह के बुलावे से बोले, आसमानों से हुक्म हो, वन नजम इजा हवा मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यातिकुम इल हवा इन हुवा इल्ला ये इमाम आजम है जिसका बोलना अल्लाह का कुरान, कहो सुभान अल्लाह, जिसका गुफ्तगू करना कहो अल्लाह का कुरान, जिसका ओढ़ना पिछो कहो अल्लाह का कुरान, सुभान अल्लाह। जीते नाम नु लग दिया दो मीमा, जीते नाम नु लग दिया दो मीमा, ओ नाम मुहम्मद प्यारा है, जीते लबाओ ते रब बोल रखे, इन हुआ इल्ला वही यूखा, जीते लबाओ ते रब बोल रखे, जीते लबाओ ते रब बोल रखे, ओ महबूब हमारा है, जीते नाम नु नाम नु नाम नु लग दिया दो मीमा, ओ नाम मुहम्मद प्यारा है, जीते लबाओ ते रब बोल रखे, ओ महबूब हमारा है, जीते नाम नु लग दिया दो मीमा। अल्लाह अकबर, मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम इमाम आजम बन करके दुनिया में आए, सुभान अल्लाह। मकसद क्या है मेरे नबी के आने का? मकसद धूम धमक्कड़ बजाना नहीं, मेरे मुहम्मद के आने का मकसद डाके बजाना नहीं, मेरे मुहम्मद की आमद का मकसद घोड़ों को नचाना नहीं, मेरे मुहम्मद के आने का मकसद कुत्तों को लड़ाना नहीं, मेरे मुहम्मद के आने का मकसद कबूतर
कबूतरों को उड़ाना नहीं, मेरे मुहम्मद की आमद का मकसद अल्लाह बाजारों में लुटियां पाना नहीं, मेरे मुहम्मद की आमद का मकसद बाजारों को सजाना नहीं, मेरे नबी की आमद का मकसद एक दूसरे के साथ बेहयाई करना नहीं, बेगैरता करना नहीं। 12 रबीउल अव्वल की रात को औरतों मर्दों का इकट्ठा जुलूस में इकट्ठे होना, चौकों में इकट्ठे होना, अल्लाहु अकबर, लड़कों का लड़कियों के साथ मिलकर डांस करना, ये मेरे मुहम्मद की आमद का मकसद नहीं है। मेरे मुहम्मद की आमद का मकसद क्या है? इमाम आजम की आमद का मकसद क्या है? सीरत इमाम आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ अहले हदीसों का पैगाम सुन लो, आओ शेख मोहम्मद अरब साहब की मोहब्बत को सुन लो, इन्होंने जलसा करवाया सुन लो, आओ अल्लाहु अकबर, मेरी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हर उलमा का क्या मतलब है समझाने का, ये कहते हैं मेरे मुहम्मद की आमद का मकसद लुटियां नहीं, भंगड़े नहीं, कवालियां नहीं, उर्स नहीं, मेरे मुहम्मद की आमद का मकसद एक है, वल्लजी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली व कफा बिललाहि शहीदा। अल्लाह अकबर, वो आए दिन के आने से बहार अंदर बहार आई, जमी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरे गुर्बत कदा में रहमत परवरदिगार आई, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरे गुर्बत का दाख में, तेरे गुर्बत का दाख में, तेरे गुर्बत का दाम में, तेरे गुर्बत का दाम में रहमत परवरदिगार आई, वो आए तो मुनादी हो गई गुलजारे हस्ती में, सभी बोले बहार आई, बहार आई, बहार आई। लोगों अहले जंग के बासियों, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, 5 मिनट की गुफ्तगू मेरी बाकी रह गई है। मेरे मुहम्मद के आने का मकसद क्या है? जिन बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं थे, मेरे मुहम्मद ने आकर के उन्होंने सिर कर दिते। अल्लाह अकबर, जिन्हें बेटियों ने जिंदा दरगोर किया जाता सी, मेरे नबी ने आकर के लोगों ने समझाया, और लोगों दिया जहमत नहीं ने, दिया लख दिया रहमत ने, इन्होंने जिंदा दरगोर करिया करो। अक्का मेरे मुहम्मद ने फरमाया, जेड़ा बंदा 2 बेटियां दे, अल्लाह अकबर, दे घरे बेटी पैदा होवे, वो समझे मेरे घरे अल्लाह दी रहमत आ गई है, सुभान अल्लाह। और बेटियां नु जिंदा दरगोर किया जाना, मेरे नबी दे आने नाल बेटियां नु हुकूक मिल गए, बेटियां दे सर ते दुपट्टे आ गए। बल्कि मेरे मुहम्मद ने फरमाया, जेड़ा बंदा 2 बेटियां दे, उहदे घरे 2 बेटियां पैदा होण, इन्हां नु परवरिश करे, इन्हां नु पाले, इन्हां नाल मुहब्बत करे, प्यार करे, इन्हां दे दुपछां दा ख्याल करे, इन्हां दे खान पीन दा ख्याल करे, इन्हां दे रोटी कपड़े दा ख्याल करे, फिर जदों वड्डियां हो जाण, इन्हां दी तालीम ते तरबियत दा इंतजाम करे, तरबियत ते तालीम दा इंतजाम करे, फिर जरा वड्डियां हो जाण, हुण बालिग हो गईयां ने, समय बलूगत नु पहुंच गईयां, खैर एक किसे दीनदार बंदे नाल इन्हां दा निकाह कर देवे। अल्लाह फरमांदे ने, सोनिया जिंद जीवी है मेरा लाड पैगंबर, जवानी अम्मा ने है मेरा पैगंबर, पूरे चन्नस्तान दी कली महक मेरा पैगंबर, सारिया महकां दी कली खुशबू मेरा पैगंबर, जिथे तू उथे मैं मेरा पैगंबर, जिथे खुदा आजम ओदी खुदा इला जवाल, उथे मुस्तफा आजम ओदी मुस्तफा इला जवाल, जिथे
सिर्फ खुदा आजम ओदी खुदा इला सवाल ओथे मुस्तफा आजम ओदी मुस्तफा इला सवाल जिथे मुस्तफा आजम ओदी मुस्तफा इला सवाल ओथे सहाबा आजम ओना दी औलिया इला सवाल जिथे सहाबा दी औलिया इला सवाल ओथे माए सब पूरी उम्मत दी माई माए शादा माई होन अला सवाल सुभान अल्लाह जरा हाथ उठा करके कहो सुभान अल्लाह आवाज नहीं आई जरा ऊंची सारी कहो अल्लाह अकबर मेरे मोहम्मद करे जाग पे कौम अल्लाह दी रहमत नाल मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया सने बलूगत नु पहुंच जावे तवज्जो करियो एवें दो चो मिनटा दी गुफ्तगु बाकी रह गई मेरे नबी ने फरमाया ए सोनिया मेरे नबी दे आन तो पहले लोग बुत्तां दी पूजा करन मेरे नबी दे खान नाल अल्लाह अकबर दर दर दा पुजारी दर दर्दा पुजारी इको दर्दा पुजारी बन गया सुभान अल्लाह मेरे नबी फरमांदे ने जदों सने बलूगत नु पहुंच जाए उन ते दियां हर एक दे बंदे दे कलेजे दा हिस्सा होया करदियां ने हर एक दे बंदे दे कलेजा कलेजा होया करदियां ने मेरे नबी मां फातिमा तो ज़हरा नु अल्लाह अकबर अपने घर विचों अलविदा करन लगे खैर ते मेरे नबी मां फातिमा नु अपने कलेजे नाल अखां बरस पईआं दाड़ी भिज गई आंसुआं नाल मेरे नबी फरमांदे ने लोगो ए फातिमा मेरे जिस्म दा हिस्सा है ए फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा है फातिमा बिजा तू मिन्नी फातिमा मेरे जिस्म दा हिस्सा है मगर फातिमा अल्लाह दी रज़ा इसे तरह है कि धीआं नूं घर रखने दा हुक्म नहीं है ते जे घर रखने दा हुक्म होंदा फातिमा मुहम्मद ते नूं अपने नाल कदी जुदा ना करदा ए अल्लाह दियां मर्जियां ने मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा सने बलूगत नु पहुंच जान बचियां फिर उना दा नेक बंदे वेख करके लोगो बैंक बैलेंस ना वेखिया करो कोठियां ते मुरब्बे ना वेखिया करो एदे घरे गाड़ी है के नहीं ना वेखिया करो वेखिया करो बंदा नमाजी भी है के नहीं बंदा कुरान पढ़दा है के नहीं पढ़दा ए नमाज पढ़दा है के नहीं पढ़दा एदा रिश्तेदारां दे अंदर सलूक हो गया है मेरे नबी ने इमाम आजम कॉन्फ्रेंस अंदर आने वालों मेरे नबी ने फरमाया ए नेक बंदा वेख करके खेदा निकाह कर देना है सुभान अल्लाह नेक बंदा वेख करके दा निकाह कर देना है अल्लाह अकबर कियामत वाला दिन होएगा इधर मेरी तरफ देखो कियामत वाला दिन होएगा कियामत वाला दिन होएगा अल्लाह अकबर मेरी तरफ तो नहीं देख रहे आपकी तवज्जो और तरफ हो गई दो मिनटों की गुफ्तगु बाकी मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी बेटी दा रिश्ता नेक बंदियां खनाल कर देवे कियामत वाला दिन होएगा कियामत वाला दिन होएगा मैं मुहम्मद ए दो सबाबा ते वस्ता दो उंगलियां उठा करके मेरे नबी ने क्या फरमाया मेरे नबी फरमाते हैं जहां जन्नत में मैं होऊंगा वहां वो बंदा मेरे साथ होगा जिसने अपनी दो बेटियों की परवरिश की जिसको दो बेटियां अल्लाह ने दी उन दो बेटियों से मोहब्बत किया दो बेटियों से प्यार किया दो बेटियों के सर पे शफकत का हाथ रखा दो बेटियों को बलूगत के बाद ब्याहा दो बेटियों की शादी की कयामत वाला दिन होएगा जन्नत के अंदर मैं ते ओ बंदा इकट्ठे इकट्ठे खवांगे सुभान अल्लाह ओए लोगो मेरे नबी दे आन तो पहले इन्हां बेटियां नूं जिंदा दरगोर कीता जांदा मगर मेरे नबी दियां ने नाल बेटियां नूं हकूक मिल गए मेरे नबी ने आने नाल हकदारां नूं हक मिल गए मेरे नबी ने आने नाल अल्लाह अकबर हकूक वाले नूं हकूक मिल गए रिश्तेदारां नूं रिश्तेदारी दे हकूक मिल गए वालदैन नूं अपने बच्चियां कोलों हकूक मिल गए अल्लाह अकबर फिर कारी मुहम्मद जुबैर क्यों ना कहे कि नूरे मुहम्मदी चमकिया नूरे मुहम्मदी चमकिया थां थां सवेरा हो गया नूरे मुहम्मदी चमकया गायब खनेरा हो गया नूरे मुहम्मदी चमकया आखरी बात है नूरे मुहम्मदी चमकया गायब खनेरा हो गया कमली वाला आ गया
कमली वाला खा गया, ओए कमली वाला खा गया, था था सवेरा हो गया। कमली वाला खा गया, था था सवेरा हो गया। नूरे मुहम्मदी जम गया, गायब खनेरा हो गया। हा नूरे मुहम्मदी जम गया, गायब खनेरा हो गया। मेरे नबी जी आ गए, था था सवेरा हो गया। अल्लाह अकबर, लोगों आओ, मेरे मुहम्मद करीम अलैहि सलाम की आमद का मकसद है हक वालों को हक मिल गए। सुभान अल्लाह, तमाम हुकूक वालों को हुकूक मिल गए और अल्लाह ने मेरे नबी को रहमत बनाया। आसमानों से आवाज आई, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमा इल्ला रहमत आलमीन। बस भाई, जुमाना बड़े शौक से सुन रखा था, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह आपकी मोहब्बत को प्यार को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसे बैठे थे आप वैसे ही बैठे रहे मोहब्बत प्यार से। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ये जितने अहबाब बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके रिजक में, माल में, जान में अल्लाह बरकतें अता फरमा। किसी का किसी को मोहताज न करना, अपने ही दर का मोहताज और सवाली रखना। आज की इस कॉन्फ्रेंस को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे महबूब की सीरत को बयान किया गया, अजमत को बयान किया गया, शान को बयान किया गया। वैसे तो मैं कहता रहता हूं कि जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए, पर तेरी सीरत का एक बाब भी पूरा ना हो। पूरी दुनिया बयान कर दी कर दी कर दी चली जाए, मेरे महबूब की सीरत का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। ये मोहब्बत है जो खतीब आए अपनी मोहब्बत लेके, हर फूल की खुशबू अलहदा अलहदा है। अल्लाह हमारी इस कॉन्फ्रेंस को और हमारे मुंतजमीन को, हाफिज उस्मान लतीफ़ साहब, शेख आरफ साहब और दीगर रफका, हाफिज साकिब सरवर साहब, शेख इनामुर रहमान साहब और उज़ैर साहब, मलक उज़ैर साहब और दीगर मोहब्बत वाले जिन्होंने इंतज़ाम किया, इंसराम किया, अल्लाह तमाम की मोहब्बत को, प्यार को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आजकल जो शेड्यूल है वो बड़ा सख्त है, दो दो तीन तीन प्रोग्राम एक एक दिन में। अभी मैं सफ़र करके आपके पास पहुंचा हूं, सुबह खुतबा जुमा है फैसलाबाद और उसके बाद असर के बाद एक प्रोग्राम है, फिर मरकजी जामे मस्जिद फैसल मिल्लत रोड में इशा के फौरन बाद प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम करने के बाद मेरे ख्याल में रात को एक जंग में भी प्रोग्राम है, सीट ते बद्रे मुनीर कॉन्फ्रेंस बहरहाल, वहाँ भी हाजिरी होगी अल्लाह ने चाहा। आप हजरात से दुआ है, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को, आपके प्यार को सदा सलामत रखे। अल्लाह तमाम तंगियों, तकलीफ़ों, आजमाइशों से महफूज फरमाए। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। हवालत बा खुदा कर दें, मुरफ्तें मुरादे बा नसीहत बात कर दें। अकूलु कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। बीमारों के लिए दुआ फरमाए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا خفضنا من مصائب
مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الكرد وقنا عذاب الميدان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانيا لما آتيت ولا معطيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين يا حليم يا كليم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ارحم أحوالنا يا ربي ارحم أحوالنا يا ستار يا غفار يا حي يا قيوم ارحم أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللہ ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما اللہ چھپ چھپ کے عیب کرنے معاف کر دے اللہ تو 70,000 پردوں میں بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اللہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر تیری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے اللہ جو گناہ سرن ہو گئے اللہ وہ بھی معاف کر دو اللہ جو گناہ جہرن ہو گئے اللہ وہ بھی معاف کر دو ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں آپ ہی تو فرماتے ہو کہ جس نوجوان کا دل میرے ساتھ لگ جائے میں اسے عرشوں کے نیچے جگہ الاٹ کر دیتا ہوں اللہ دیکھ کتنے نوجوان تیرے دربار میں حاضر اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک عرشوں کے نیچے جگہ الاٹ نہ ہو جائے اللہ یہ سفید بالوں والے تیرے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے آپ ہی تو فرماتے ہو سفید بالوں والے میرے آسمانوں کی طرف دیکھیں انہیں خالی لوٹاتے مجھے شرم آتی ہے اللہ سفید بالوں والے بھی موجود اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کا گناہ کوئی نہیں سارے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ موڑنا اللہ اپنی رضا رحمت سے بھر دو یا اللہ اللہ اس کانفرنس کو میرے محبت پیار والوں کی پیار کو محبت کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اللہ بھائی محمد عثمان صاحب کی محنتوں کو قبول فرما اللہ بھائی شیخ محمد عارف صاحب کی محبت بتوں کو قبول فرما اللہ ان کے دیگر رفقاء اللہ قائدین یوتھ فورس کی محبتوں کو قبول و منظور فرما اللہ یہ کتنے پیسے صرف تیری رضا کے لیے اللہ تو راضی ہو اللہ تو راضی ہو اللہ تو راضی ہو اللہ لوگ حسد کرتے رہے بغض کرتے رہے اللہ شریر اپنا شر کھلارتے رہے اللہ تیرے بندے تیری محبت پیار میں لگے رہے اللہ ان کی محبت کو پیار کو قبول و منظور فرما بھائی عارف پر انصاف کے دیگر فقا کی محنتوں کو قبول فرما اللہ اس محبت پیار کامیاب کانفرنس پر اللہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرما اللہ یہ سارا کچھ تیری رضا کے لیے کیا گیا اللہ تو راضی ہو اللہ راضی ہو اپنے بندوں سے رضا رحمت عطا فرما اللہ جو کوئی بے اولاد ہیں اولاد نورین عطا فرما اللہ غریبوں کی غربت دور فرما اللہ مسکینوں کی
मस्कनत और फरमा। अल्लाह अल्लाह बे औलादों को औलादें और इनात फरमा। अल्लाह ये जितने अख्वाब आए बैठे हैं अल्लाह घरेलू परेशानियों से दूर फरमा। अल्लाह जिनके घरों में बे औलादी के नजरात अल्लाह बे औलादी से औलादें और इनात फरमा। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखना किसी का मोहताज न करना। अल्लाह मोहताज की बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह भार साढ़े उत्ते ना पावी जेड़ा सी चुकन दे काबल नहीं आ। और रब्बना वला तो हम मिला माला ताकत लना भी वफ़ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना या रब्बी अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह ये कितने नौजवान तेरे दरबार में बैठे हुए। अल्लाह किसी को जॉब का मसला है, अल्लाह किसी को पढ़ाई का मसला है, तमाम मसले हल फरमा। अल्लाह मेरे वीरों की जवानियों में बरकतें अता फरमा। इस जवानी को तेरे दीन में खपाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह पढ़ने वाले अखबाब जो पढ़ाई में कमजोर हाफजा मजबूत फरमा। अल्लाह जिनके इम्तिहान हुए कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह बेहतरीन मुस्तकबिल अता फरमा। अल्लाह मेरे नौजवान मुल्क पाकिस्तान का सरमाया। अल्लाह इन नौजवानों की जवानियों में बरकतें अता फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान को सालमियत अता फरमा। अंदरूनी बैरूनी खतरों से महफूज फरमा। अल्लाह मेरे तमाम पाकिस्तान के तमाम इदारों की खैरिया अल्लाह। अल्लाह फौज पाकिस्तान की खैरिया अल्लाह। अल्लाह तमाम पंजाब पुलिस एफआईए दूसरे तमाम दीगर इदारे अल्लाह तमाम इदारों की खैरिया अल्लाह। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी मोहब्बतों को प्यार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन वा आलिही वसहबिही अजमईन।